नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूं वायरल वर्सेस फैक्ट में। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में 4 इंडियन गेम्स शामिल हो चुके हैं। कौन से हैं वो गेम्स और क्या है इनके पीछे की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 देसी खेलों को शामिल करने की अपनी मंजूरी दे दी है। ये खेल हैं गतका, कलरिया पट्टू, गांगता और मलखम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में होने वाला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की एक समृद्ध विरासत है और इन खेलों को संरक्षित करना, बढ़ावा देना, इसके साथ ही लोकप्रिय बनाना खेल मंत्रालय की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खेलो गेम्स इंडिया से बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां इन खेलों पर एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि योगासन के साथ साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया जाएगा। गतका पंजाब का हथियार पर पारंपरिक मार्शल आर्ट प्रारूप है। आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थांगता भी मार्शल आर्ट का एक भारतीय रूप है जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में उत्पन्न होता है। गांगता मार्शल आर्ट्स में काफी तेज है। इसके साथ ही अब बात करें कलरिया पट्टू की, तो ये एक भारतीय मार्शल आर्ट है जो आधुनिक केरल में उत्पन्न हुआ है और ये पूरे विश्व में खेला जाता है। स्वदेशी खेल मलखम एक पारंपरिक खेल है जिसमें एक जिम्नास्ट एरियल योग कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। खैर, अब आप इन गेमों के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि वायरल वर्सेस फैक्ट अपना क्विज सेशन स्टार्ट कर चुका है। क्विज के बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।